जितना भी कम कम रहे जो यंग फिल्म मेकर मेरे जैसे मेरे से भी यंग जो भी है शुरुआत होनी चाहिए किसको एक मौका मिलना चाहिए और एक मौका मिलता है नॉट ओनली टू बिकम अ फिल्म मेकर बट ऑल्सो टू टेल योर स्टोरी जो स्टोरी आपको लगता है हम दिल से बात कह नहीं सकते शायद दो घंटे की फिल्म में जो नहीं कह सकते वो एक्चुअली और अच्छी तरीके से आधे घंटे की फिल्म में बन जाती है और कह दिया जाता है सो आई थिंक द शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट इज सो ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट वॉच द फिल्म एवरीबॉडी इन द ऑडियंस वॉज इन टीयर्स आई वॉज इन टीयर्स फॉर टू रीजन्स ए माई डियर फ्रेंड सबा मुमताज ने बहुत सालों से कोशिश कर ली इस फिल्म को बनाने आखिर में बन गई और बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और दूसरी बात फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहूँगा आप सब भी देखें इट इज़ रियली मेक्स एवरीबडी थिंक बहुत सारी चीज़ें थीमेटिकली इतनी पावरफुल है दैट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड एंड फील नॉट जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करें बट अबाउट मैनी अदर थिंग्स मल्टी मुद्दे पे एक फिल्म है ये बहुत खूबसूरत है मैं याद देना चाहूँगा थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीबडी मेगा ये सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में आपकी पिक्चर सेलेक्ट हुई है क्या कहना चाहिए ये मेरा फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जब मैंने ये फिल्म शूट की थी मुझे कोई उम्मीद मतलब सोचा ही नहीं था उस दिशा में कि ये हम कभी बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं हमने एक्चुअली बनाया इसे इस प्लान से था कि OTT पे रिलीज़ होगा लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिला हमें बड़े स्क्रीन पर एक्चुअली मैंने खुद को पहली बार देखा और हम सब बहुत एक्साइटेड थे बहुत मेहनत की हमने पहली फिल्म है हमारी और आज की स्क्रीनिंग की दूसरी ही फिल्म थी ये तो सुबह सुबह आई थिंक आज जन्माष्टमी भी है सो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू द डे तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सिने ड्रीम्स ने हमारा ये फिल्म चूज़ किया एक बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है नए किरदारों को नए टैलेंट को मौका देने का और यही उम्मीद है कि हम ऐसे ही कुछ अपना बनाते रहे क्योंकि यही मौका मिलता है नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का खुद की कहानियाँ बड़े पर्दे पर लाने का तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मौका हमें मिला अच्छा मेगा जो आपका फिल्म जो बनाया है आपने हाँ जी बनाया है फोटोग्राफर की कहानी है जी 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 उसके बारे में थोड़ा रिवील करें तो एक्चुअली है तो फोटोग्राफी की कहानी लेकिन आप इसे इस नज़रिए से देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट कभी कभी अपने आर्ट बनाने के लिए किस जोन में वो जाता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर कोई उसे समझ नहीं पाता तो वो इस थॉट्स को कैसे अपने मास्टरपीस क्रिएट करने में वो लगाता है कहीं ना कहीं उसी की कहानी है तो जी ये एक फ़ोटोग्राफ़र की कहानी है वो एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा और वो जीतना चाहता है और वो अपना मास्टरपीस बनाना चाहता है और इस प्रोसेस में उसको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है ये उसी की कहानी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग